हिंदी सिनेमा के 70 और 80 के दशक का वो खूबसूरत चेहरा जिसे हर कोई प्यार करता था। मिस इंडिया बनकर इन्होंने देश विदेश में इंडियन ब्यूटी का डंका बजाया। जिस दौर में भारतीय फिल्मों में एक्ट्रेस अबला नारी की तौर पर स्टीरियोटाइप हो चुकी थी, उस दौर में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के किरदारों में इन्होंने जो बोल्डनेस दिखाई वो आगे चलकर कईयों के लिए प्रेरणा बनी। तो चलिए जानते हैं आज ये कहाँ और किस हाल में है। 4 अप्रैल 1955 को प्रेमा का जन्म कोलकाता में हुआ था। हालांकि कई YouTube वीडियोस और कई बड़ी वेबसाइट पर कहा जाता है कि प्रेमा बंगाल के कलिंगपोंग में पैदा हुई थी, लेकिन प्रेमा ने एक वेबसाइट को खुद ये बताया कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जो उस वक्त कलकत्ता कहलाया जाता था। प्रेमा महज 5 या 6 साल की थी जब इनका परिवार कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। दरअसल प्रेमा की मौसी और एक्ट्रेस अनीता गुहा उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री का एक चर्चित नाम हुआ करती थी। प्रेमा अपनी मौसी अनीता गुहा से बेहद प्रभावित होती थी। अनीता अक्सर प्रेमा को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाया करती थी। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही प्रेमा को फिल्म इंडस्ट्री को काफी करीब से देखने और समझने का मौका मिल गया था। छोटी उम्र से ही प्रेमा को डांस से भी खास लगाव हो गया था। प्रेमा 7 या 8 साल की रही होंगी जब इन्होंने कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उस जमाने में भारत में माइथोलॉजिकल फिल्मों का चलन काफी ज्यादा था। जब संतोषी माँ नाम की फिल्म में प्रेमा की मौसी अनीता गुहा ने संतोषी माँ का रोल किया था और इस रोल के बाद वो इतनी मशहूर हो गई थी कि उनके फैंस सच में देवी की तरह उनकी पूजा करने लगे थे। प्रेमा जब बड़ी हुई तो उन्हें पढ़ाई के लिए बोरीवली के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। प्रेमा कहती हैं कि वैसे तो वो उस स्कूल को चलाने वाली नंस बेहद सख्त होती थी। वहाँ डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इस वजह से शुरू में वो स्कूल इन्हें बेहद नापसंद था, लेकिन आगे चलकर स्कूल की इसी डिसिप्लिन वाली आदत ने उन्हें उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में काफी मदद की। इसी स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्रेमा का झुकाव टीचिंग की तरफ होने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमा ने जुहू में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले लिया, लेकिन किस्मत ने प्रेमा के लिए कुछ और ही प्लानिंग की हुई थी। प्रेमा जिस इंस्टीट्यूट में टीचर ट्रेनिंग ले रही थी वहाँ की इनकी कुछ सहेलियाँ मॉडलिंग भी किया करती थी। प्रेमा को भी मॉडलिंग काफी अट्रैक्ट करती थी। वो भी चाहती थी कि कम से कम एक दफा तो उन्हें मॉडलिंग करके जरूर देखना चाहिए, लेकिन इसी दौरान उन्हें याद आया कि 50 के दशक में उनकी मौसी अनीता गुहा ने एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और उसी ब्यूटी पेजेंट की मदद से मौसी अनीता गुहा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। प्रेमा ने भी फैसला कर लिया कि वो मॉडलिंग नहीं, पहले मिस इंडिया के लिए ट्राई करेंगी। प्रेमा ने मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन भेजी और इत्तेफाक से इनकी एप्लीकेशन को ज्यूरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उन दिनों भारत में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट को फेमिना के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज कर रहा था। प्रेमा ने जब इस पेजेंट में हिस्सा लिया था तब उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी। जीनत अमान और रीता फारिया मिस इंडिया विनर रह चुकी थी। प्रेमा और दूसरे कंटेस्टेंट के लिए जीनत और रीता किसी रोल मॉडल से कम नहीं थी। कंपटीशन की शुरुआत से प्रेमा किसी शर्मीली लड़की की तरह नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फिल्मों की शूटिंग के चलते प्रेमा को भारत और विदेशों में घूमने का खूब मौका मिला। भारत में लखनऊ, पुणे और कलकत्ता में इनकी फिल्मों की शूटिंग काफी ज्यादा हुई। वहीं उषा उत्थुप, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे गायकों के जब विदेश में शोज हुआ करते थे तो उनके साथ प्रेमा भी एज ए डांसर विदेशों में भी जाती थी। उषा उत्थुप का गाया अरमान फिल्म का गाना रंभा हो दरअसल प्रेमा नारायण पर ही फिल्माया गया था। वहीं इस सॉन्ग पर प्रेमा ने अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों में परफॉर्म भी किया था। प्रेमा कहती है, यूं तो उस जमाने में लड़कियों को इतनी ज्यादा छूट नहीं दिया करते थे, पर चूंकि उनके परिवार वाले काफी सपोर्टिव थे तो उन्होंने अपनी जवानी के हर दिन को खुलकर जिया था। काम के साथ साथ प्रेमा को घूमने का भी मौका मिला और इस तरह प्रेमा का ट्रेवल का शौक भी पूरा होता रहा। प्रेमा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने राजीव सिंह नाम के एक शख्स से शादी की थी। राजीव सिंह पेशे से एक वकील हैं। प्रेमा जब अपने करियर की पिक पर थी तभी इन्होंने राजीव सिंह से शादी की थी। बकौल प्रेमा, शादी के बाद इनके लिए फिल्मों में काम करते रहना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिल्मों में काम करने के लिए इन्होंने अपनी सारी एनर्जी फिल्मों पर ही लगानी होती थी। जबकि शादी के बाद इनके 2 बच्चे हो गए तो इन्हें फिल्म करते रहना बड़ा ही मुश्किल लगने लगा। इसलिए साल 1999 में फिल्म ये बस्ती है बदमाशों की में काम करने के बाद प्रेमा ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया।
प्रेमा के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वो अपने पति राजीव के साथ अक्सर ट्रेवल करती रहती हैं और देश विदेश में घूमती रहती हैं। प्रेमा कहती हैं कि उनकी उम्र के हिसाब से अगर कोई रोल उन्हें आज भी ऑफर हुआ तो वो एक बार फिर से फिल्मों में वापसी कर सकती हैं। पर चूंकि आज की जनरेशन के डायरेक्टर्स के साथ उनकी जान पहचान नहीं है तो उनके पास अब ऑफर्स नहीं आते हैं। प्रेमा कहती हैं कि वो अभी भी फिल्में देखती हैं और उन्हें आज की फिल्मों में महिलाओं के रोल पहले के मुताबिक ज्यादा दमदार लगते हैं। प्रेमा अब रिटायरमेंट की जिंदगी जी रही हैं, जहां पहले वो फिल्मों की अपनी जिंदगी को खुलकर जी रही थी तो अब वो अपने परिवार के साथ अपने जीवन का हर लम्हा एंजॉय कर रही हैं और 68 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।